जो मिस्त्री हो ये हुसैनाबाद पुलिस और अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक सूचना मिला है। उसके सत्यापन के लिए जब गए तो हम लोगों के हाथ में एक राजेंद्र गुइया और विष्णु विश्वकर्मा पकड़ में आए हैं, जिसमें राजेंद्र गुइया जो है 15 लाख इनामी माओवादी नितेश यादव के टीम का सक्रिय सदस्य रहा है। पिछले साल जो काला पहाड़ में घटना हुआ था उनके द्वारा गाड़ी जलाने का, और लोहबंदा में एक मोबाइल कंपनी के टावर का काम चल रहा था उसको भी धमकी देके रुकवाने का, ये दोनों काम में ये राजेंद्र भुया शामिल था। और लगभग एक साल ये सक्रिय सदस्य रहा है नितेश की टीम का। अभी कहीं और अपने पहचान छुपा के रह रहा था और वापस अभी टीम में ज्वाइन करने के लिए इलेक्शन के टाइम पे कुछ दहशत फैलाने के लिए वापस अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए गांव आया था। तो इसी के सूचना पुलिस को मिले और इसी के सत्यापन के लिए हुसैनाबाद थाना का पुलिस और बाकी ओपी का दंगवार देवरी ओपी और साथ में 172 सीआरपी बटालियन के साथ एक ऑप्स के रूप में टीम निकला था एस डी पी ओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में। तो राजेंद्र भुया अरेस्ट हुआ और उसके कन्फेशन के बेसिस पे हम लोगों ने 4 देसी बरतुआ बंदूक और उसमें भरने वाले जो बारूद और बाकी जो कील वगैरह जो होता है, छर्रा जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो भी बरामद किए हैं। और साथ में विष्णु विश्वकर्मा को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया, जो ये लोकल मेड वेपन्स बनाने में एक्सपर्ट है और ये पार्टी को भी सप्लाई करते हैं, और उसके पास से भी जो बनाने के लिए लोहे के पाइप जो यूज़ होता है वो भी बरामद किया। आपराधिक इतिहास अभी पकड़ में आने तक इसका वैसे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने कन्फेशन में बताया है कि काला पहाड़ में जो घटना हुआ था और लोहबंदा में जो एयरटेल टावर का काम रुकवाने में जो घटना हुआ थी, दोनों में शामिल था।